फ्रेंड्स, अगर कोई अपनी साइकिल का टायर ठीक कराना चाहता है तो मोहित से संपर्क करें, इसकी इंस्टाग्राम आईडी से इसको मैसेज करें। तो इसका निकाली है वो हमारे को दबानी होती है, मतलब उसको एक गड्ढा देके दबा देते हैं। तो आपको दिखाता हूँ उसको कैसे दबाते। तो अपने हमने अंडा तोड़ दिया है और इसको अब मिक्स करना है प्रॉपर, बिकॉज अगर दूध ठंडा हो गया तो यार मिक्स नहीं हो पाएगा। एंड थोड़ा सा दूध गिर गया, जैसे वो फटाना है डाल छपाक दे के ऊपर को हो गया, तो इसको अभी प्रॉपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? होप आप सभी बढ़िया होंगे यार, और अपना संडे अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सो यार, अभी संडे की स्टार्टिंग जब भी होती है तो मेरी काफ़ी जल्दी जल्दी से हर काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो लाया हूँ मैं अपने लिए दूध बेरा, और देख सकते हैं आप अभी इसमें, ये देख सकते हैं कि मैं चम्मच क्यों लाया, बिकॉज अभी मैं लेने वाला हूँ एक एग, जो कि मेरा एक बहुत ही, आपको लग रहा होगा कि ये क्या रूटीन है भाई। सो मैंने पता नहीं पहला में भी ये करता था, एंड देन पहला भी मैं करता था, पर देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप का एग है अपना, एंड इसमें मैं मिला के खाऊंगा। सो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही अलग है, पर भाई ये अलग नहीं है। मतलब मेरे को अच्छा लगता है करना ना, ऐसे सही नहीं लगता, इसमें सही भी लगता है। मतलब जब इसको खाते हैं आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता क्या का क्या टेस्ट है। सो मैं वैसे तो मतलब ऐसे चिकन मेरा खाया नहीं है कभी, तो एक तो दीवार टेस्ट किया था, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी ये करना है, बाकी वैसे वेजिटेरियन आप कह नहीं सकते, मतलब नॉन वेजिटेरियन ही समझ लो एक प्रकार से। तो अभी बस मेरे को ये करना है, एंड उसके बाद अपने काम पे जाना है, जो आज काम होगा। संडे तो वैसे बहुत बिजी डे होता है गांव में, आपको पता ही है, क्योंकि संडे को बहुत सारे काम होते हैं। सो बस उसके बाद काम करना है। सो आज थोड़ा मेरे को बिजी शेड्यूल लग रहा है, पहले बता रही थी कि ये काम करने हैं। सो आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या काम है। सो पहला अपना ये मैं तेज ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, मतलब मेरे को एक प्रकार का ब्रेकफास्ट ही है ये। सो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अपने हमने अंडा तोड़ दिया है और इसको अब मिक्स करना है प्रॉपर, बिकॉज अगर दूध ठंडा हो गया तो यार मिक्स नहीं हो पाएगा। एंड थोड़ा सा दूध गिर गया, जैसे वो फटाना है डाल छपाक दे के ऊपर को हो गया, तो इसको अभी प्रॉपर मिक्स करना है। और देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का होता है भाई, ये अगर प्रॉपर मिक्स ना हो जाए तो हम नहीं लगता भाई, ठीक है भाई, ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है। एंड जहाँ तक मेरा मानना है कि ये मतलब दूध मेरा ठंडा हो चुका है यार, खासा मैं रह गया बातें बातें ही करने आप लोगों के साथ, और दूध हो गया ठंडा, तो भाई कोई सीन नहीं अभी हो जाएगा। चलो खाने पीने लायक अच्छा हो जाएगा, इसको मैं एक ही पी जाऊँगा भाई, एक ही उसमें। तो ऐसी ऐसी सिस्टम है, एंड आप लोगों को पता ही अभी कितना टफ है जाएंगे ये काम, क्योंकि भाई नहीं नहीं प्रॉपर हो गया भाई, इसको ना बस घुमाते रहना पड़ेगा, बिल्कुल ओके ओके करता रहना पड़ेगा इसको। अगर रुक गया ना थोड़े से भी, देख सकते हैं आप भाई, जब आप इसको पिएंगे ना आपको लगेगा कि पता ही चलेगा इसमें इसमें एग डाला भी था। तो यार मेरे को बहुत सही लगता है भाई ये, और ऐसे एग खाना मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब तो ऑमलेट बना के, तो भाई ऐसे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऑमलेट खा के। और मेरे को लगता है ऐसे अच्छा बस कि जब मतलब यही बना रहा हूँ मैंने, इसमें दूध में डाल के अच्छा लगता है मेरे को। सो कुछ इस टाइप से बन गया फ्रेंड्स अपना, देख सकते हैं थोड़ा गिर भी गया दूध, मेरे को साफ़ करना पड़ेगा पोचा ला के। तो इसको पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो द थिंग इज गाइस कि अभी तो फ़िलहाल मैं आया हूँ पानी भरने। सो मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से पानी भरने जा रहा हूँ अपने लिए, मतलब जो काम करते वक्त ले जाना पड़ता है पानी, क्योंकि लग जाता है यार पानी, आप लोगों को पता है, तो दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ से भर रहे हम पानी। सो यहाँ पे हमारी पहला बावणी होती थी, पहला यहाँ पे होती थी, और ये पानी कट किधर को आ गई क्योंकि यहाँ पे काम हो गया था स्टार्ट। तो देख सकते हैं अभी भी कितना पानी है, और भाई ठंडा पानी होता है यहाँ पे बिल्कुल सही, अमेजिंग। तो भाई बस अभी पानी भरना है, तो और उसके बाद मेरा पता नहीं, आपको पता नहीं मेरा फेस क्लियर आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि सनलाइट पड़ रही है भाई बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ हुआ है, और मैं जाना भी, मैं फिलहाल पानी भर लेता हूँ, और अपना ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। मेरा तो वही किया भैया जो आपको दिखाया मैंने, वो अंडे में दूध डाल के, काफ़ी ही अंडे में दूध डाल के, दूध में अंडा डाल के, वही था काफ़ी सही रह गया वो मेरा ब्रेकफास्ट। एंड मतलब उससे मतलब ऐसा लगता है काफ़ी एनर्जी रहती है पूरे दिन शरीर में। एंड दी थिंक इज कि अभी आपको दिखाता हूँ अपना घर, घर देखो अपनी आलीशान कोठी भाई साहब, दिख रहा होगा आपको पता नहीं, हाँ देख सकते हैं आप घर, और इधर जी पशु बांधे हुए बाहर धूप में, और इस तरह का कुछ गांव का व्यू हुआ आज। एंड अभी आपसे मिलते हैं, फिलहाल
अभी डायरेक्ट ही काम पे जाना है क्योंकि काम ख़त्म करना है। अगर वहाँ पे धूप चली गई तो भाई फिर ठंड में काम नहीं होता, क्योंकि आजकल तो ठंड में धूप चाहिए होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए। तो जैसे ही धूप में भी काम करना पड़ेगा, सारा ख़त्म कर देंगे, काम निपटा देंगे। तो उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइज़, आपको दिखाता हूँ अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। फ़िलहाल तो अभी पानी भर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हम अपने खेतों में, एंड दी बताता हूँ आपको किस तरह के टाइप के खेत है हमारे। देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप के खेत अब नहीं है सारे नीचे की तरफ ये जी ये। और यहाँ से हमें निकालना है जो कि इसमें अरबी लगाई हुई थी। अरबी आप लोगों को पता ही होगा यार, काफ़ी स्वाद भी होती खाने में और आजकल उसको बहुत मन करता है खाने में। सो दादा मेरा तो लग गए काम करने, देख सकते हैं आप। अरे तो अब मैं भी जाता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं जब हम अपना पूरा काम ख़त्म कर लेंगे। तो पर अभी काम स्टार्ट करते हैं, मेरे को गाड़ियाँ पड़ सकती दादा मेरा से। सो काम कर लेते स्टार्ट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी जो जितना हमने निकाला है वो जो कचाली बेरा वो हम ले आए हैं, मैं ले आया हूँ वापस घर को। देख सकते हैं आप कितनी निकली है, मैं वो दिखाता हूँ। सो गाइस कुछ इतनी निकली है किल्टा, और अभी एक पूरा और निकालना है। सो इतने इश्क मेरा भाई मेरे को फंस रही है अभी। तो बस अभी मेरे को और जाना है फिर से वापस। सो अभी मैं पहले इसको खाली कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं उसको दूसरे वाले ले। देख सकते इतने इश्क भाई मेरे को फंस कर रहते भाई ये अभी मस्ती में पूरे। सो अभी जाना है एक बार और, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे भी निकालना नीचे घर के पास। बस आज तो यही काम है पूरा खेत में। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने निकाल दिया है, और चाचू और मैं निकाल रहे हैं पूरा ये। चाचू क्या बोलते कचाड़ी कचौड़ी, हाँ अरबी, इसको अरबी बोलते हैं भाई। जो कुछ खेत की हालत भी इस टाइप से हुई हुई है। सो यहाँ थोड़े पत्थर पुत्थर हो गए हैं, तो कुछ पेड़ लगाए थे ये थोड़े सूख गए यार, पता नहीं क्या हो गया। ये तो सही है वाला, और है देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, क्योंकि इसमें बीच में घास है ना बहुत, उसमें ढूंढ ढूंढ के थोड़ा देखना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ पे है। सो भाई एक किल्टा फिर से भर चुका है हमारा, अभी कुछ ऊपर भी है, मतलब काफ़ी अच्छी इस बार तो काफ़ी अच्छी है भाई इसकी पैदावार। सो अभी मैं ऊपर जाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सो भाई लोगों अभी का सीन ऐसा हुआ है कि दिन का लंच तो कर लिया है, और अब मैं आया हूँ छत पर बैठने ऊपर। ओ यार ऐसे ही रखना पड़ रहा है क्योंकि फिर ना बहुत ही ऐसे हो रहा है, और देख सकते हैं आप अभी काफ़ी ही बढ़िया धूप लगी हुई है यार अभी तो यहाँ पे, और हमारे अब जाने वाली थोड़ी देर में धूप, और इसके बाद तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना यहाँ पे कि मतलब यहाँ तो आग लानी पड़ती है, या फिर पहले को जाना पड़ता है धूप सेकने, या फिर रजाइयों में घुसना पड़ता है। सो फिलहाल तो हम तो आग को जलाते नहीं हैं, और ऐसे बस धूप या घर से उधर उधर निकल जाते हैं। वो बंद कर इसको, कॉफ़ी आइट आएगा, बंद कर। हाँ भाई ये भी आ गया था पीछे से गाने बजाते जाते, तो बस यहीं बैठे हुए भाई धूप में अभी। तो बस अभी यहाँ पे मिलते हैं अभी, और क्या क्या काम है वो भी आपको बताते हैं। तो भाई देख सकते हैं आप मोहित भी आ गया, फिर भी क्या बढ़िया धूप है भाई लगी हुई, थोड़ी देर धूप सेकनी चाहिए अच्छी होती शरीर के लिए। सो बस भाई ऐसा ही सीन है, अभी धूप सेक रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो व्लॉग को लाइक जरूर करते रहेगा। My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey, yo, that's me, I run it like a track meet. A rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach on drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. We get it poppin', homie, day and night. Party jumping, about to break the ice. आप देख ही रहे होंगे कि यार वो जो दादा कर रहे थे वो क्या कर रहे थे। सो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो कचाली वगैरह निकाली है वो हमारे को दबानी होती है, मतलब उसको एक गड्ढा देके दबा देते हैं। तो आपको दिखाता हूँ उसको कैसे दबाते हैं। सो कुछ इस टाइप से उसको भाई दबा देते हैं गड्ढा देके, और इसमें ये काफ़ी टाइम तक सेफ़ रहती है, और जब निकालते हैं तो काफ़ी बड़ी मिलती, जैसे अभी छोटी थी थोड़ा और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अच्छे सेफ भी रहती है क्योंकि उसको ऐसे सेव करना भाई इम्पॉसिबल होता है, तो इसको इसमें डालना पड़ता है। सो आपने भी अगर गाँव में तो आपको पता ही होगा ये बात, तो जो जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया।
ऐसा इसको दबा दिया, तो अभी इसके बाद देखते हैं और क्या क्या काम करना है। और तो अभी बच चुके उनके 250 भी लंच में, उस तो कर लिया था हमने सारा, और उसके बाद अब यही काम था बचा हुआ, सारा आज यही काम था। अभी शायद से मंदिर की सफाई करने जाऊंगा मैं, जो गांव के मंदिर है वहाँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद पूजा होने वाली है, तो वहाँ की सफाई करनी है बस। तो उसके बाद सफाई करते फिर आपसे मिलते हैं, मंदिर में मिलते हैं आपसे सीधे ही। तो हाँ जी फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यार अभी हम जाएंगे, मतलब जाएंगे सब मंदिर की सफाई करने। तो देख सकते आप मंदिर की सफाई करने आ गए हैं, मोहित इधर है, अजय चाचू इधर है, और हम अभी छत की सफाई कर रहे हैं टॉप में। तो ऐसा है कुछ अपने मंदिर का छत, तो इसकी सफाई कर रहे, देख सकते हैं आप पत्तियाँ काफ़ी ही ज़्यादा गिरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पेड़ है ना, तो इसकी पत्तियाँ गिर जाती है, और यहाँ से सब सफाई करनी पड़ रही है अभी सारी। अजू चाचू कर रहे भाई हमारे मंदिर के पुजारी, न्यू पुजारी, एंड बस मैं अभी कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप का अपना झाड़ू है एंड अभी सफाई कर रहे हैं, तो बस आपसे मिलती है अभी सफाई पूरा मंदिर साफ करके, फिर आपको दिखाते हैं कि मंदिर का व्यू किस टाइप का आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ देख सकते होंगे आप यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पेड़ है ना यहाँ पे, तो काफ़ी ही ज़्यादा पत्तियाँ है, तो मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में। तो अभी मैं ही कर रहा हूँ मोहित नारायण ली वीडियो, क्योंकि डीप क्लीन करनी पड़ेगी। सफाई बहुत जरूरी है, वरना फिर केसी में चिपक जाती है और पूरी चिप करके वही मतलब खराब कर देती है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे दादा भर रहे हैं पत्तियाँ, जो कि पत्तियाँ यहाँ पे ऊपर से इकट्ठी हुई है सारा कूड़ा, सो किल्टे में भरा जा रहा है वो सारा कूड़ा। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से सफाई हो रही है, एंड अजू चाचू कर रहे हैं कलर, एंड उधर भी दादा कर रहे हैं सफाई, जो पत्तियाँ वत्तियाँ वो झाड़ रहे हैं, एंड अभी कुछ इस तरह से मंदिर और क्लीन हो रहा है थोड़ा, रंग भी देख सकते हैं आप न्यू न्यू हो रहा है, शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। और देखिए वाइट कलर हो रहा है ऊपर इसमें पत्तियों में, और ऐसा ऐसा यहाँ से सफाई हो रही है सारी, इसे रास्ता कितना क्लीन है। फ्रेंड्स अगर कोई अपनी साइकिल का टायर ठीक कराना चाहता है तो मोहित से संपर्क करें, इसकी इंस्टाग्राम आईडी से इसको मैसेज करें। तो इसका जो कि ये काफ़ी ही अच्छा काम चला हुआ है टायर ठीक करने का, तो अपनी इसकी अपनी साइकिल के टायर तो अभी ठीक हो नहीं रही है, पर ये देख के करेगा ही करेगा, इसको ठीक करेगा भाई, इसको अपनी साइकिल का टायर ठीक कर रहा है, पता नहीं कितनी बाइक में फंसा रहता है। तो अगर देख सकते हैं अभी भी इसके पूरी सक्सेसफुल नहीं है इसका टायर की मरम्मत, उससे संपर्क करें आप, देखिए कितना शरीफ चेहरा है, ज़रूर संपर्क करें। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं, सो यहाँ पर कुछ चादरी की जा रही है ऊपर, और कुछ फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है जो फाइनल टचेस, मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो। हेलो कानू कैसे हो, वो यहाँ पे कुछ इस टाइप से रंग किया जा रहा है, मंदिर के नज़ारे कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं अभी। गाइस अभी यहाँ पे आए हैं और काफ़ी ठंडे पाँव हो गए अपना, क्योंकि नीचे लोहा ही लोहा है जिसमें ठंडे पाँव हो जाते हैं, बस अब फाइनल टचेस देने हैं हमने, और उसके बाद बस घर ही जाना है फाइनल। और ये मेरी झाड़ू कुछ इस प्रकार की है,